मंत्रों से नहीं, मन से प्रकट होता है सखी। अपने मन को स्थिर करो। किस प्रकार मन को स्थिर करूं गोविंद? आर्य अकेले प्रवास कर रहे हैं, ना कोई सेना है ना सैनिक। कठिन तपस्या में उनकी सुविधाओं का ध्यान कौन रखेगा? ये विचार मेरे मन से नहीं निकलते गोविंद। चिंता ही प्रेम का सबसे स्पष्ट रूप है सखी। तुम्हें अर्जुन की चिंता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। अर्जुन की तपस्या का लाभ केवल अर्जुन को ही नहीं होगा, समस्त कुरु वंश को होगा सखी। तुम्हें धैर्य रखना होगा। कभी ऐसे समाचार प्राप्त हो जब तुम्हारा विश्वास डगमगा जाए तो ये मरण में रखना होगा कि समय मनुष्य के बनाए मार्गों पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्गों पर चलना पड़ता है। इसी को नियति कहते हैं। तो क्या आर्य पे कोई विपत्ति आएगी गोविंद? वो मैं कैसे जानूंगा सखी? आप तो भविष्य जान लेते हैं गोविंद। मैं भविष्य नहीं देखता सखी, मैं मनुष्य को देखता, मनुष्य के स्वभाव को समझता। मनुष्य का स्वभाव ही उसका भविष्य बनाता है, इसी कारण कुछ सीमा तक मैं उसका भविष्य देख पाता। मैं नहीं जानता कि अर्जुन पर कोई विपत्ति आएगी या नहीं, किंतु मैं इतना अवश्य जानता कि वो विपत्ति को भी अवसर बना लेगा। फिर जल में छवि दिखाई देती है सखी, मन को स्थिर करोगी तो वहां अर्जुन अवश्य दिखाई देगा। If you like the video, then please like, share and subscribe to my channel.